ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं गेट ट्रिगरिंग पे, थायरिस्टर की गेट ट्रिगरिंग पे। अभी हमने थायरिस्टर की वोल्टेज ट्रिगरिंग हमने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ली थी। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, जिसमें कि हम गेट ट्रिगरिंग हम यूज लेंगे। फिर एक बार हम इसको खत्म करने का पूरे एक बार पूरा देखेंगे कि किस किस यूनिट किस किस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, समराइज करेंगे। ठीक है, तो ग्रेट ट्रिगरिंग हो जाएगा कि तो एक अभी तो हमने देखी थी विदाउट यूजिंग गेट हम थायरिस्टर को किस तरह से ट्रिगर ऑन करें, और हम देखेंगे कि गेट के थ्रू हम थायरिस्टर को किस तरह से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक हो जाएगा कि कंटिन्यूस गेट पर, जिसमें कि हम थायरिस्टर में गेट हमारा गेट टर्मिनल होगा उस पर हम कंटिन्यूसली गेट सिग्नल दे देंगे और वो गेट सिग्नल कंटिन्यूसली जाता रहेगा, जिसके कारण हमारा थायरिस्टर जैसे ही उसमें करंट इतना होगा कि हमारा एनोड करंट लैचिंग करंट से ऊपर पहुंच गया, हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, उस गेट सिग्नल को हम काफी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कंटिन्यूसली गेट सिग्नल दिया तो हमें कंटिन्यूसली गेट पावर लॉस भी होगा, इसलिए हम उस मेथड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। दूसरा आता है हमारा पल्स गेट सिग्नल। तो पल्स गेट सिग्नल में हम थायरिस्टर पे हम क्या करते हैं, गेट थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पे एक टाइम के लिए छोटे से टाइम पीरियड के लिए गेट करंट देते हैं, छोटे से टाइम पीरियड के लिए गेट करंट देते हैं। वो टाइम पीरियड उस मिनिमम विड्थ को बताता है जितना, ये डिपेंड करता है आई उसकी लैचिंग करंट पे, कि भाई उसकी लैचिंग करंट मैंने देखा था ना कि एनोड करंट इतनी पहुंचनी चाहिए और उस एनोड करंट के उतनी पहुंचने के लिए हमें कितनी देर तक गेट सिग्नल दे के रखना है, कितनी करंट का, वो सब लैचिंग करंट से डिसाइड होता है। तो हमने मान लो पाँच मिली एम्पियर का 5 माइक्रो सेकंड के लिए करंट दिया, तब हमारा वो करंट लैचिंग करंट तक पहुंच पा रहा है, तो हम उतनी पल्स डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें इतने पल्स विड्थ के लिए इतना गेट करंट दे के रखना है। एक बार थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ उसके बाद हम गेट सिग्नल को हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा जो गेट पावर लॉस हो रहा है, मतलब T1 से T के टाइम हमने किसी तरह कोई करंट नहीं दी, तो यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो तुम्हारा इतने टाइम में जीरो हो जाएगा, जबकि कंटिन्यूस गेट पल्स में तुम्हारा क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इतने टाइम में तुम्हारा क्या होगा, पावर लॉस होगा, तो उस पावर लॉस को हम कम कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पल्स गेट सिग्नल। एक हो गया कंटिन्यूस गेट सिग्नल, एक हो गया पल्स गेट सिग्नल, और तीसरा एंड लास्ट आता है हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल। हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल की मतलब हम थोड़ा सा ज़्यादा हम मतलब एक ही टाइम पीरियड में हम ज़्यादा बार गेट सिग्नल दे रहे हैं, कंटिन्यूसली गेट सिग्नल दे देंगे तो इससे क्या होगा कि देखो अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए गेट सिग्नल देते हैं, अगर एक ही विड्थ को हम एक ही पल्स देते हैं लेकिन वो ज़्यादा टाइम के देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पल्स ट्रांसफॉर्मर हमें बड़ा यूज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम गेट सिग्नल देते हैं लेकिन हम बहुत सारी पल्सेस दे देते हैं उसमें, मतलब फ्रिक्वेंसी हाई रख देते हैं टाइम पीरियड चाहे, ठीक है इसी टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की दे दी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें पल्स ट्रांसफॉर्मर छोटा रखना पड़ेगा, जिससे हमारा उसका साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल, ताकि हम पल्स ट्रांसफॉर्मर को भी कम कर सकते हैं और गेट पावर लॉस को भी हमने इस टाइम के लिए कम कर दिया। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल हम इसलिए देते हैं ताकि हम पल्स ट्रांसफॉर्मर साइज कम कर सकते, क्योंकि कई कई बार तुमको दो नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई वी यूज द हाई फ्रिक्वेंसी गेट सिग्नल टू रिड्यूस द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इस पूरी यूनिट में स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले तो आपको सिलेबस बताया था जिसकी एक अलग से यूनिट है, फिर उसके बाद हमने हम स्टार्ट हुए थे पावर डायोड सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स से, सबसे पहले तो समझे थे कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं, पावर ब्लॉकिंग, पावर कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन, फिर हमने सारे तरीके के रेक्टिफायर से कन्वर्टर्स देखे थे, फिर DC to DC कन्वर्टर, DC to DC, DC to AC, AC to AC, उसके बाद हमने पावर डायोड्स देखे थे कि कौन कौन से पावर डायोड होते हैं, कैसे कैसे तुम्हारे काम करते हैं, हैवीली लोड का मतलब क्या होता है, लाइटली लोड का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ड्रिफ्ट रीजन क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिर हमने SCR की मोड देखे थे, कंस्ट्रक्शन देखा था उसकी, उसकी हमने सिंबल देखी थी। ठीक है, फिर हमने जो गेट सिग्नल दिया था वो देखा था, गेट सिग्नल पे कैसे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है वो देखा था, लैचिंग करंट का कॉन्सेप्ट देखा था, होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट देखा था, रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। ठीक है, इसमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, इसमें डिले टाइम, राइज टाइम, स्पेड टाइम तीनों देखे थे, किस किस तरीके से चेंजेस होते हैं। उसके बाद हमने वोल्टेज ट्रिगरिंग देखा था, जिसमें हमने देख लिया था कि विदाउट गेट सिग्नल ट्रिगरिंग तो उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, डिलीवरी गेट ट्रिगरिंग और लाइट ट्रिगरिंग देख लिया था, और एक हमने देखा था गेट ट्रिगरिंग जिसमें हमें कंटिन्यूस गेट पल्स, पल्स गेट सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी गेट पल्स देख लिया था, किस किस के क्या क्या यूज़ हैं, कौन सा हम क्यों यूज़ नहीं करते, सारी चीज़ हमने देखी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यूट्यूब के वीडियोज़ डालेंगे। थैंक यू।